नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बेगूसराय खगड़िया विधान परिषद के महागठबंधन के प्रत्याशी मनोहर कुमार यादव के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं कादराबाद में जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं छात्र जीवन से ही राजनीतिक में हूं। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधान परिषद 12 साल तक अपने पद पर रहे, लेकिन विकास में नाम पर कुछ काम नहीं किए। किसी भी पंचायत में विकास का एक वोट भी उनके नाम से नहीं होगा। अंत में उन्होंने कहा कि राजद की ओर से मुझे उम्मीदवार बनाया गया। आप सभी पंचायत प्रतिनिधि एक बार सेवा का मौका जरूर दें। चेरिया बरियारपुर विधायक राजवंशी महतो ने कहा, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए अच्छे व्यक्ति को लालू जी के तरफ से भेजा गया। आप सभी अपना आशीर्वाद जरूर दें। मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष सुनील यादव, मुखिया दीपांकर कुमार, उप प्रमुख धर्मेंद्र कुमार, रुपेश यादव, मकबूल आलम, अरुण यादव, डॉक्टर अशोक कुमार, विष्णुदेव सहनी, रामाश्रय सहनी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। जनप्रतिनिधियों को मिठाई और चादर से सम्मानित किया गया। बछवाड़ा से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। इस करीब इनके साथ चल रहे हैं चेरिया बरियारपुर के सम्मानित विधायक आदरणीय राजवंशी महतो जी, साथ चल रहे हैं प्रदेश के महासचिव प्रोफेसर अशोक कुमार यादव जी, जिला अध्यक्ष मोहित यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पदाधिकारीगण, रौनी दो के मुखिया दीपांकर कुमार जी, बछवाड़ा प्रखंड के उप प्रमुख धर्मेंद्र कुमार जी, तमाम उपस्थित साथियों, नौजवान दोस्तों, कादराबाद पंचायत के सम्मानित सरपंच सरमिला देवी जी, देखो तीन नंबर के वार्ड सदस्य अमित कुमार जी, अमित बाबा वार्ड चार के सदस्य नौसावा खातून, आइए बेटा जा। उतार मनोहर बाबू कौन से वार्ड सदस्य सहनाथ खातून, प्रदेश महतो जी, वार्ड बारह के सदस्य प्रवेश खातून जी, आइए राम प्रवेश।
वार्ड 13 के सदस्य राजेंद्र राम जी। राजेंद्र बाबू आइए आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता बिहार न्यूज मीडिया, मैं हूं आपके साथ प्रभात कुमार। बेगूसराय और खगड़िया विधान परिषद चुनाव का सरगर्मी होने चला, इसी क्रम में एक राजद के प्रत्याशी है, वो अपना प्रचार प्रसार के लिए निकले, इससे बात करेंगे। आपका क्या उद्देश्य सर? आपका नाम क्या हुआ? मनोहर कुमार यादव। आप जो यहाँ जो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकले, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्पष्ट है, जनप्रतिनिधि को सम्मान दिलाना है, जनप्रतिनिधि को उसका ही अधिकार दिलाना है। और जो जनप्रतिनिधि देख रहे हैं आए दिन जनप्रतिनिधि पर हमला हो रहा है, उसको जो है पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करना है, सुरक्षा की गारंटी दिलवाना है। वर्तमान जो अभी विधान परिषद साहब है रजनीश कुमार जी, पूरे विधान परिषद क्षेत्र यानी बेगूसराय खगड़िया में लगभग 342 या 43 पंचायत पड़ता है, बहुत ऐसा पंचायत है जहाँ एक भी काम नहीं किया, लेकिन बाधा देखिए, ये लोकतंत्र, हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र में आप देखिएगा कि 5 साल का कार्यकाल तय किया गया है, MLC का 6 साल का तय किया गया है। लोकतंत्र हमारा कहता है कि जो लोग काम नहीं करे 5 साल में हटा दीजिए, जनता को अधिकार दिया है, जनप्रतिनिधि को अधिकार दिया है, 6 साल पहले हट जाना चाहिए। लेकिन टेक्निकल कारण है, समझिए बच कैसे गए रजनीश जी बिना कुछ काम किए। ये 6 साल पर चुनाव होता है, जो लोग एक बार वोट देते हैं ना, अभी जो लोग वोट देंगे उनको दोबारा वोट देने के लिए पुनः जीत करके आना पड़ेगा। MLC का चुनाव 6 साल पर होता है, तो 80% से ज़्यादा हमारे जनप्रतिनिधि बदल जाते हैं, उसको भापने में समय लग गया, दोबारा जीत गए। लेकिन इस बार उनका जो है कहीं दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है, इस बार उनका जमानत जब्त हो जाएगा। छात्र हित के लिए अगर आपको यहाँ की जनप्रतिनिधि के द्वारा चुना गया, छात्र हित के लिए क्या? छात्र हित का ही काम किए हैं, छात्र जीवन से राजनीति में है, छात्र के लिए सैकड़ों आंदोलन किए हैं। अगर मुझे मौका मिला तो हम पंचायत के अंदर खेल मैदान को जो है डेवलप करवाएंगे, हर पंचायत में खेल मैदान होगा। आज जो बच्चे तरह तरह का जो है लत का शिकार हो गया, नशा का शिकार हो गया, क्या है आप देखिएगा, पंचायत में खेल का मैदान नहीं है, बच्चे खेलेंगे नहीं तो कहीं चौक चौराहा पर बैठेगा और बैठेगा बुरा संगत होगा। तो इसलिए हम पंचायत में खेल मैदान का भी विकास करेंगे, पुस्तकालय का भी देखेंगे, जहाँ नहीं है वह पुस्तकालय होगा हर जगह, और भी कई तरह के अध्ययन केंद्र का हम स्थापना करवाएंगे। अभी वर्तमान बाढ़ है मनोहर जी, और भारी मतों से बेगूसराय खगड़िया उम्मीदवार के रूप में जीत करके जाएंगे विधान पार्षद, और विधान पार्षद में पंचायत का जो हक हकूक है उसको दिलाने का कोशिश प्रयास करेंगे कि पंचायत को विकास के लिए इतना मिलना चाहिए, वार्ड कमिश्नर को मिलना चाहिए,